आज की इस वाली वीडियो में हम लोग जा रहे हैं सर्वाइव करने 100 डेज एनटीटी 303 बनकर। अब एज एनटीटी 303 मुझे कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गोल्स को भी पूरा करना है, जैसे अपनी सारी पावर को रिकवर करने के लिए हमें लूट करना है बहुत ढेर सारे डंजन्स को और फाइट करना है कुछ बहुत ही ज्यादा कस्टम बॉसेस से। यार हम लोग की फाइट म्यूटेंट ज़ॉम्बीज एंड स्केलेटन से भी होने वाली है। इतना ही नहीं, हम लोग को अपनी पावर को इतना ज्यादा बढ़ा लेना है ताकि हम लोग की एक्स-रे विजन की पावर भी अनलॉक हो जाए। एंड यार लास्ट में हम लोग को फाइट करना है ओब्लुका गॉड से विद फुली कस्टम वेपन। मैं सच बता रहा हूँ, एक बार मेरी बात मान के वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि ये मेरी चैनल की वन ऑफ दी मोस्ट आइकॉनिक वीडियोस में से एक होने वाली है। एंड में हम लोग को कुछ ऐसा दिखता है ना जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सो अब देख इस बात का, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले के टाइम में माइनक्राफ्ट में टिम्बरवुड नाम की एक बहुत ही ज्यादा सीक्रेट बायोम थी। ओडिन वो पहला आदमी था जिसने इस बायोम को ढूंढा था। वो यहाँ पर एक साम्राज्य बनाना चाहता था जिसके लिए उसने अपने लाइफ में जितने पैसे कमाए थे उन सबको लगा के एक बहुत ही बड़ा और विशाल महल बनाया। बट गाइस, इस पूरे जमीन का असली ओनर था साउथ, जो कि रहता था यहाँ पर एक छोटे से घर में। जब राजा को ये बात पता चलती है कि इस पूरे जमीन का ओनर साउथ है तो वो अपने आदमियों से कहके उसके पूरे घर को ब्लास्ट करा देता है। इस एक्सप्लोजन में साउथ तो नहीं बच पाता है लेकिन उसका बेटा एंटिटी बच के वहां से निकल जाता है। एंटिटी उस दिन ठान लेता है कि जब तक वो ओडिन को मार के अपने पिता का बदला नहीं ले लेता तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। और गाइज, अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए वो व्हाइट कलर का एक सूट पूरी तरीके से पहन लेता है जिसमें सिर्फ उसकी आंखें दिखती हैं, और वो अपना नाम रख लेता है एंटिटी 303। एंटिटी 303 को मैजिक का बहुत नॉलेज होता है, साथ में उसके पास एक ऐसा गैजेट रहता है जिसके हेल्प से वो कुछ भी माइनक्राफ्ट में कोड कर सकता था। उसका यूज करके वो अपने लिए बहुत ही पावरफुल स्टाफ बनाता है जिसके हेल्प से वो राजा का पूरा कासल एक झटके में तबाह कर देता है। एंटिटी 303 को ना सिर्फ मैजिक का ज्ञान था बल्कि टिम्बरवुड में जो भी ट्राइब के लोग रहते थे वो लोग टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज्यादा एडवांस थे, इसी नाते एंटिटी 303 कोडिंग भी करता था एंड उसका यूज करके उसने कुछ बहुत ही ज्यादा ओपी वेपन्स बनाए थे। और गाइस, उसने अपनी पावर का यूज करके राजा को भी छोड़ा नहीं था बल्कि उसे बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारा था। दिन प्रतिदिन अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए वो कोड करता रहता था, साथ में उसने कई मैजिक पावर्स को भी लर्न किया था। उसका सबसे ज्यादा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था केमिकल एक्स, जिसके हेल्प से वो एक नॉर्मल जॉम्पी को ट्रांसफॉर्म कर देता था म्यूटेंट बीस्ट में। हर चीज अच्छा चल रहा था, बट वो कहते हैं ना, खुशी के दिन सिर्फ चार होते हैं। ओब्लुका गॉड, जो कि ओब्लुका ट्राइब का हेड था, वो अपने सारी टीम के साथ अटैक कर देता उस कासल पे क्योंकि वो राज करना चाहता था पूरे टिम्बरवुड पे। वो एंटिटी 303 एंड उसके पावर्स के बारे में बहुत अच्छे से जानता था, इसीलिए उसने अपने पूरे आर्मी के साथ उस पे अटैक किया था। एंटिटी 303 उन सबसे एक साथ बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता था एंड वो इस फाइट के लिए रेडी भी नहीं था, तो वो जल्दी से अपने एक्सपेरिमेंट वाले रूम में जाता है अपनी पावर्स को उठाने के लिए। बट यार, ओब्लुका गॉड ने वहां पे पहले से टीएनटी इग्नाइट कर दिया था जिससे उसकी सारी पावर्स तबाह हो जाती है एंड वो होपलेस हो जाता है। वो ओब्लुका गॉड के आर्मी के सामने सरेंडर कर देता है। बट गाइस, किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। ओब्लुका वैसे तो किसी दुश्मन को छोड़ता नहीं था बट इस बार उसने एंटिटी पर दया खा दी और उसने ये डिसाइड किया कि वो एंटिटी 303 को एक नए डायमेंशन में भेजेगी जहाँ पे उसे 100 डेज सर्वाइव करना है। अगर इन 100 डेज के अंदर अंदर वो इतना इनफ पावरफुल हो जाता है कि इसे डिफीट कर दे तो ये सारा किंगडम वापस से उसका, बट अगर ऐसा नहीं कर पाया तो एंटिटी 303 की डेथ हो जाएगी। आज मैं आप लोग को जा रहा हूँ बताने एक लाजवाब वेबसाइट लोटस 365 के बारे में। यहाँ पर आप अपने क्रिकेट का नॉलेज यूज कर सकते हो इनाम जीतने के लिए। आपको यहाँ बताना होता है कि क्रिकेट मैच कौन अच्छा खेलेगा और 200 से भी ज्यादा तरह के गेम यहाँ पर आप लोग खेल सकते हो, मतलब गोवा का मजा भी इसके साइट पे है। इसमें से मैं जो खेलता हूँ वो है क्रिकेट। बस अपने नॉलेज से मुझे बताना होता है कि कौन सी टीम अच्छा खेलेगी। लोटस 365 एक ट्रस्टेड वेबसाइट है जिनके ब्रांड एम्बेसडर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रौतेला, कृति करबंदा और काजल अग्रवाल। इनके इंस्टाग्राम @lotus365 वर्ल्ड पे फॉलो करो और देखो कितने सेलिब्रिटीज का प्रमोशन करते हैं, आप तो हैरानी हो जाओगे। सबसे अच्छी चीज, आपका विदड्रॉल यहाँ 20 मिनट्स के अंदर हो जाएगा चाहे दिन हो या रात। अभी अकाउंट ओपन करने पे मिलेगा आपको 365 का बोनस और पहले डिपॉजिट पे मिलेगा 5000 का बोनस। अभी रजिस्टर करो www.lotus365.com पे, लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में है।
देवन को एंटिटी 303 को जब होश आता है तो वो बहुत ही ज्यादा कमजोर फील कर रहा होता है। साथ में वो किसी के घर पे रहता है। ओब्लुका गॉड से एंटिटी 303 किसी तरह अपनी जान बचा के आ गया था, बट ओब्लुका गॉड ने उसकी सारी पावर्स लेके अलग अलग डंजियंस में रख दी है। यानी एंटिटी 303 को कई ढेर सारे डंजियंस को पार करना होगा अपनी सारी पावर्स को अनलॉक करने के लिए। एनीवेज, जिसके घर पे एंटिटी 303 था उसका नाम था ऋषि। ऋषि एंटिटी 303 को पिछले कई महीनों से अपने घर पे रखा था और उसकी ट्रीटमेंट कर रहा था। एंटिटी 303 के पास उसकी कोई भी पावर नहीं होती है, ये देख के वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। एंटिटी 303 को सब धुंधला दिख रहा था तो वो जल्दी से जाके पानी में अपनी आंखों को साफ करता है। उसके बाद वो इस वर्ल्ड की ब्यूटी देखने लगता है। एंटिटी 303 जब ऋषि से बात करता है तो ऋषि बताता है कि उसने जहाँ पर एंटिटी 303 को पाया था वहाँ पर कुछ अजीब से दिखने वाले आइटम्स भी गिरे थे। जब वो उन सबको चेक करता है तो वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो सब उसकी पावर्स थी। ना, नॉट ऑल पावर्स बट अ पार्ट ऑफ इट। भाई सच में ऋषि ने तो एंटिटी 303 की बहुत ही ज्यादा हेल्प की थी। इन रिटर्न एंटिटी 303 ये सोचता है वो ऋषि को बहुत ढेर सारे प्रीशियस ओर ला के देगा। एंटिटी 303 के पास जो पावर्स है उनमें एक ऐसा फीचर है जो इन्हें बाकी एंटिटी से अलग बना देता है। वो ये है कि ये सब एक दूसरे को सिग्नल देती हैं। खैर, कुछ चीजें तो माइनक्राफ्ट में सेम होती हैं चाहे आप किसी भी डायमेंशन में चले जाओ। वो है ट्री को पंच करके अपने लिए क्राफ्टिंग टेबल और स्टिक्स बनाना। अब क्योंकि एंटिटी 303 पहले एक हैकर था तो उसने कुछ ऐसी चीजें माइनक्राफ्ट में कोड करी हुई थी जो कि और किसी के पास नहीं थी। जैसे कि अभी आप लोग उसकी पिकेक्स का मैजिक देखना। पूरे वर्ल्ड में ऐसी एक लौती पिकेक्स थी जिसे माइन करने पे हम लोग को डायरेक्ट ओर मिलता था, मतलब स्मेल्टिंग या फिर कहीं हम लोग फर्नेस की जरूरत ही नहीं थी। कुछ दिनों तक लगातार एंटिटी 303 माइन करता है बहुत ढेर सारे आयन के लिए ताकि वो अपने लिए कुछ छोटा मोटा ही सही बट आर्मर बना पाए जिससे वो थोड़ा तो स्ट्रांग फील करेगा, नहीं तो यार कोई भी ज़ॉम्बी आके उसकी वजह जा रहा है। आयन का यूज करके एंटिटी 303 ने अपना पूरा आर्मर बना लिया था। बच्चे सारे आइटम को एंटिटी 303 ने ऋषि को दे दिया था। ऋषि इन रिटर्न एंटिटी 303 को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसने उसे कॉपर लाके दिया था जिसकी मार्केट वैल्यू उस समय हाई थी। अगले दिन एंटिटी 303 निकल पड़ता है एक्सप्लोर करने के इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को और ट्राई करने के लिए अपने कुछ और न्यू मैजिकल पावर्स को। अब आप लोग गाइस देखने जा रहे हैं एंटिटी 303 की एक और एबिलिटी जिसमें वो पंख निकाल के अपने शरीर से उड़ सकता है। वैसे भी वो ज्यादा दिन तक तो ऋषि के घर पे रह नहीं सकता था, उसे निकलना था अपनी सारी पावर्स को वापस लाने के हंट पे। बहुत टाइम बाद फ्लाई करने के नाते उसे स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा डर लगा था यार कि वो कर पाएगा कि नहीं, बट फिर वो अपना फ्लाइंग स्टार्ट कर देता है एंड वो बहुत ही ज्यादा परफेक्टली उड़ना शुरू कर देता है। वो उड़ते उड़ते काफी ज्यादा सुंदर सुंदर सीनरीज को देखता है एंड उसे रियलाइज होता है कि यार उसके हैक्ड वर्ल्ड के बाहर भी एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दुनिया है जो कि अब तक छुपी हुई थी। एंटिटी 303 को एक छोटा सा टेंपल टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है। वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि इस तरह के सेम स्ट्रक्चर में वो वहां शाम को जाता था, बट ये इस वर्ल्ड में क्या कर रहा था इसका पता लगाने के लिए जब वो उसके अंदर जाता है तो उसको वहां पे एक सीक्रेट डंजन मिल जाता है जहां पर यार फॉलन वॉरियर नाम से बहुत ढेर सारे ज़ॉम्बी गार्ड्स थे। एंटिटी 303 अपनी पावर्स का यूज करता है एंड वो शेप शिफ्ट हो जाता है उन्हीं में से एक गार्ड में। अब उसके ऊपर कोई भी और गार्ड अटैक नहीं कर रहे थे तो वो बहुत ही ज्यादा इजीली पूरे डंजन को एक्सप्लोर करता है एंड वहां पे उसे एक चेस्ट में मिलती है येलो की। उस डंजन में प्रेजेंट किसी भी ब्लॉक को एंटिटी 303 माइन नहीं कर पा रहा था। जैसे ही वो उस गेट में येलो की डालता है वैसे ही वो ओपन हो जाता है। वो गाइस एक्चुअली में एक सीक्रेट बॉस फाइट का रास्ता था जिस बॉस से फाइट करनी थी उसका नाम था कॉम। एंटिटी 303 को इसी बॉस को डिफीट करना पड़ेगा अपनी कुछ न्यू पावर्स को अनलॉक करने के लिए। ज़ॉम्बी में शेप शिफ्ट होने के नाते वो बॉस उस पे अटैक नहीं कर रहा था और साथ में एंटिटी 303 अभी उतना स्ट्रांग नहीं था कि वो उससे फाइट कर पाए, तो वो अपने पावर का यूज करता है और सीधा घर पे टेलीपोर्ट कर लेता है। यहाँ पर उसने यूज किया था वार्प स्टोन का। ऋषि को अलविदा बोल के निकल पड़ता है इस ब्रांड न्यू वर्ल्ड को और एक्सप्लोर करने के लिए एंड ढूंढने के लिए अपनी बाकी पावर्स को। कुछ दिनों तक ट्रेवल करने के बाद उसे फाइनली एक विलेज मिल जाता है जहाँ पे वो स्टे करने का सोचता है और क्योंकि वहाँ पर पास में वैसा ही सेम एक और टेम्पल था। उसके बारे में जब वो वहाँ पे प्रेजेंट एक विलेजर से पूछता है तो वो बताता है कि ये सारा काम टॉमनर के नाते हुआ है। अब जिसको नहीं पता मैं बता दूँ, टॉमनर ओब्लुक गार्ड का एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल मैजिशियन होता है जो कि विलेजर्स में रहता था। टॉमनर ने ओब्लुक गार्ड की हेल्प करी थी इस सारे टेम्पल्स को ओवरवर्ल्ड में लाने के लिए और एंटिटी 303 की पावर्स को कैप्चर करने के लिए। इन रिटर्न ओब्लुक गार्ड ने सारे टॉमनर को पत्थर बना दिया था ताकि वो लोग उसकी पावर्स को वापस आजाद नगर आ पाए। एनीवेज, एंटिटी 303 वहां पे प्रेजेंट बहुत ढेर सारे हेबल्स को तोड़ लेता है जिससे वो अपने लिए ब्रेड बना लेता है। उसके बाद वो स्टार्ट कर देता है प्रैक्टिस करने अपनी सारी पावर्स को।
पूरी होने पे एंटिटी 303 की हर्ट बूस्ट हो जाती है। इतना ही नहीं, उसे रीजनरेशन जैसी कुछ और पावर्स भी मिल जाती हैं। 303 पूरा रेडी हो चुका रहता है जाने के लिए इस टेंपल में, और यार इस बार जैसे ही वो अंदर जाता है ना, वो डायरेक्टली चला जाता है बॉस रूम में। फिर दोनों की फाइट बिगिन हो जाती है। डोंट वरी गाइस, इस बारी मैं बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं लगा रहा क्योंकि इनकी फाइट बहुत ही ज्यादा कम टाइम के लिए चलती है। हमारे एंटिटी के पास तो ज्यादा ही पावर्स आ जाती है, वो बहुत ही ज्यादा इजीली फर्स्ट रूम के बॉस को डिफीट कर देता है। क्या? यस, ये फर्स्ट रूम का बॉस था। अभी तो हम लोग के डंजन में एक और फ्लोर था जिसे वो एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देता है। एंड बिलीव मी, इस बारी का बॉस तो टफ होने वाला था लास्ट टाइम से। सेकेंड फ्लोर पे जाते ही 303 के पीछे पड़ जाते हैं बहुत ढेर सारे ज़ॉम्बीज और घोस्ट। हाँ, वो बात अलग है, जैसे तैसे करके 303 ने चाबी ले ली थी जिससे हम लोग के बॉस रूम का दरवाजा खुलेगा। 303 अपने शिफ्ट पावर का यूज करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है उन्हीं में से एक स्केलेटन में, जिसके नाते भाई उसके ऊपर अब कोई भी अटैक नहीं कर रहा था। वो की का यूज करता है डोर को ओपन करने के लिए और फाइट करने के लिए चला जाता है कॉन्गरर से। सेकेंड बॉस को भी गाइस वो बहुत ही ज्यादा इजीली डिफीट कर देता है और फिर उन दोनों की लूट को कलेक्ट कर लेता है और चला जाता है देने के लिए अपने प्यारे ऋषि को। ऋषि को सारा सामान देने के बाद वो वापस से टेलीपोर्ट कर जाता है विलेज में, और थोड़ा देर इधर उधर चलने के बाद अचानक एंटिटी के सर में बहुत ही ज्यादा तेजी से दर्द होने लगता है और फिर वहाँ पे एक बहुत जोरदार ब्लास्ट होता है और हमारे एंटिटी 303 को कुछ और नई पावर्स भी मिल जाती हैं। इस बार की पावर इंक्लूड करती थी हैकर्स टेबल को। ये क्राफ्टिंग टेबल का अल्टरनेट वर्जन है, इसे एंटिटी 303 ने अपने हाथों से बनाया था और यार इसमें कुछ बहुत ही ज्यादा ओपी सुपर पावर्स हैं। ओवरवर्ल्ड में एंटिटी 303 को ये टेबल सिर्फ 10 सेकंड के लिए क्रिएटिव दे रहा था, बट इसके खुद के वर्ल्ड में इनफाइनाइट टाइम्स के लिए देता था। उसने क्रिएटिव से एक सल्कर बॉक्स और बहुत ढेर सारी एक्सपीरियंस बॉटल को कलेक्ट कर लिया था ताकि वो इस टेबल का यूज इनफाइनाइट टाइम के लिए कर पाए। बट यहाँ पर यार एक छोटा सा ट्विस्ट था, इस टेबल को यूज करने के लिए आपको मिनिमम 10 लेवल की एक्सपीरियंस चाहिए थी, बट हमारे एंटिटी के पास तो इस समय इनफाइनाइट एक्सपी थी। उसे पहले जितना पावरफुल दोबारा से फील होने लगा था जिसके नाते वो बहुत खुश था। बट यार ये खुशी बहुत ही थोड़े टाइम के लिए थी क्योंकि शाम होने पे जब वो उस टेबल को कलेक्ट कर रहा था वापस ले जाने के लिए, तभी वो एक्सप्लोड हो जाती है और साथ में जो सल्कर बॉक्स में उसने क्रिएटिव से सामान निकाल के रखा था वो भी उसके साथ में डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक बार फिर से हम लोग का एंटिटी 303 अपनी सारी पावर्स पाके खो दिया था। गाइस आप लोगों को ये बात तो पता होगी कि कुछ ब्लॉक ऐसे होते हैं जिन्हें हम एक स्पेसिफिक डायमेंशन में यूज कर सकते हैं, नहीं तो उनके साथ क्या होता है ये बताने की मुझे आप लोगों को जरूरत नहीं है। तो सेम ऐसा ही केस होता है हमारे एंटिटी 303 के साथ। एंटिटी 303 को एक सैडल और साथ में एलाइट्रा भी मिली थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था उसका क्या करना है, तो उसने सबसे पहले एक हॉर्स को टेम किया और उसे सैडल पहना दिया। फिर इलेक्ट्रा लेके जैसे उसने उस हॉर्स पे राइट क्लिक की वैसे ही वो बन गया पेगासस। ये एक ऐसा हॉर्स है जिसके पास इलेक्ट्रा होती है, या कहो जिसके पास पंख होते हैं जिसके हेल्प से वो बहुत ही ज्यादा इजीली उड़ सकता है। इस तरह का मिलता जुलता हॉर्स एंटिटी 303 ने अपने लिए कोड किया हुआ था, बट उसे ये बात नहीं पता थी कि इलेक्ट्रा और सैडल की हेल्प से वो ऐसे एक बना भी सकता है। वो अपने पेगासस पे बैठ के आसपास का एरिया और एक्सप्लोर करता है क्योंकि यार उसे वापस से सिग्नल मिल रहा था उसके पावर्स का। हैकर्स टेबल के साथ एंटिटी 303 को उसके खुद की बनाई हुई एक और कस्टम टेबल मिलती है जिसके अंदर यार वो कुछ बहुत ही ज्यादा इलीगल वेपन्स को क्राफ्ट कर सकता था। एंटिटी 303 के रियल पावर्स के सामने देखा जाए तो ये सारी तो कुछ नहीं है, बट अगर इस वीडियो पे 350 कमेंट्स आते हैं तभी पार्ट 2 बनाऊंगा। मैं बता रहा हूँ, अगर कमेंट नहीं हुआ ना तो एंटिटी 303 को पकड़ के आपके घर में छोड़ दूंगा। भरोसा रखिए पुराने खिलाड़ी। अगले दिन एंटिटी निकल पड़ता है अपनी न्यू पावर्स को ढूंढने के लिए, और काफी देर तक ट्रेवल करने के बाद उससे एक जगह ऐसी मिलती है जहां पर 4 टॉमनर की स्टैचू रहती है जो कि एक चेस्ट की तरफ फेस कर रहे थे, और ये देखने में बहुत ही ज्यादा क्रीपी लगता है। चेस्ट के अंदर से उसको उसकी पावर्स का प्रेजेंस फील हो रहा था, बट यार वो अगल बगल के सारे ब्लॉक्स को तोड़ पा रहा था, बट यहां पर जब वो चेस्ट को खोलने का ट्राई करता है तो कुछ भी क्लिक नहीं हो रहा था। एंटिटी 303 को चेस्ट के ऊपर एक स्पॉनिंग मिलता है, एंड जब वो उसे वहां पर रिलीज करता है तो वो और कोई नहीं बल्कि म्यूटेंट ज़ॉम्बी का था। वो इस बात को तो समझ जाता है कि अपनी पावर्स वाली चेस्ट को अनलॉक करने के लिए उसको इससे फाइट लेनी पड़ेगी, एंड फिर इन दोनों की फाइट बिगिन हो जाती है जहां पे
एंटिटी 303 उसके साथ क्लोज कॉम्बैट नहीं कर रहा था, बल्कि दूर से अपनी मीचोरिक शॉट का यूज करके उसे डिफीट कर रहा था, क्योंकि एंटिटी को उसके स्ट्रेंथ के बारे में पता था। उसके बाद वो अपनी फुल पावर को अनलीश करता है, मतलब जो कुछ भी पावर्स थी, उसके बाद इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। इन लोग की फाइट दो वेव में चलने वाली थी, जिसमें से जो फर्स्ट वेव थी उसको तो एंटिटी 303 बहुत ही ज्यादा इजीली सरवाइव कर जाता है, लेकिन भाई सेकंड वेव में तो आ जाते हैं एक दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 5 म्यूटेंट जॉम्बी। जिस एक म्यूटेंट जॉम्बी को एंटिटी 303 ने मारा था उसे उसकी पावर भी मिल जाती है, बट यार इससे पहले वो सेलिब्रेट करता वहां पे और जॉम्बी आ जाते हैं और फाइट स्टार्ट हो जाती है। काफी दिनों की इंटेंस फाइटिंग के बाद फाइनली हम लोग का एंटिटी 303 उनसे फाइट जीत जाता है। और यार अब जब वो दोबारा जाता है उसी चेस्ट को ओपन करने के लिए, तो वो ओपन हो जाती है एंड उसे मिल जाती है उसकी दो और न्यू पावर्स। सबसे पहले उसे मिल जाती है सियान सॉर्ड, जिसका अटैक डैमेज 25 का था, और ये स्पेशल सॉर्ड है जो कि एंटिटी ने अपने लिए बनाई थी। वही दूसरी तरफ उसे एक और उसकी सुपर पावर मिल जाती है जो कि थी श्रिंक। अब जैसे कि भी आप लोग देख सकते हो एंटिटी 303 अब अपने शेप एंड साइज को काफी ज्यादा छोटा एंड काफी ज्यादा बड़ा भी बना सकता है। इस पावर का यूज करके एंटिटी अपने आप को छोटा बड़ा कर सकता है, बट पावर उसकी उतनी ही रहती है। अगर आप लोग सोच रहे होगे बस, तो आप एकदम गलत हो, क्योंकि इस पावर का यूज करके आप किसी और को भी छोटा या फिर बड़ा कर सकते हैं, जैसा कि अभी एंटिटी ने इस विलेजर को एकदम छोटा बना दिया है। एंटिटी के 100 डेज धीरे धीरे बस पूरे ही होने वाले थे। अब प्रॉमिस के अकॉर्डिंग एंटिटी 303 को फाइट करनी थी ऑब्लिक गॉड से ठीक 100th डे पे, तो उसे जल्दी जल्दी अपनी पावर्स को ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए वो निकल पड़ता है एक और सफर पे ढूंढने के लिए अपनी और न्यू पावर्स। पहले की कुछ पावर तो गाइस उसको आसपास के इलाके में मिल गई थी, बट अब यार उसे बहुत ही ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा था। काफी दिनों तक ट्रेवल करने के बाद एंटिटी 303 को किसी का छोड़ा हुआ बेस मिलता है। ऐसा देखने में लग रहा था ये बेस बहुत ही ज्यादा पुराना है, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरफ वाइन्स वाइन्स उग गई थी, बट इतना तो वो था ही कि वहां पर रह सकते हैं। अंदर थोड़ा सा खाना भी पड़ा रहता है, जिसे एंटिटी तुरंत उठा लेता है और साथ में अंदर के थोड़े जाले वाले को साफ कर देता है। ये सब वो कर ही रहा होता है तभी उसके ऊपर अटैक हो जाता है कुछ म्यूटेंट स्केलेटन्स का। उन लोगों को और किसी ने नहीं बल्कि ऑब्लिक गॉड ने ही भेजा था। एंटिटी उस टाइम थका रहता है तो उसी घर में वो चुपचाप बैठा रहता है, बट नेक्स्ट डे वो रेडी हो जाता है फाइट करने के लिए। क्रीपर भी म्यूटेंट स्केलेटन का साथ देता है और गेट पे एंट्रेंस ओपन कर देता है। उसके बाद हमारा एंटिटी फाइट करने स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले तो वो अपने स्वॉर्ड से मीटियोर की बरसात कर देता है, जिससे स्केलेटन्स को काफी ज्यादा डैमेज होता है। उसके बाद वो अपनी नॉर्मल स्वॉर्ड निकालता है और सबको मारने लगता है। दिन प्रतिदिन एंटिटी 303 की पावर बढ़ती जा रही थी, इसीलिए वो इस फाइट को बहुत ही ज्यादा इजीली जीत जाता है। बट यार इसमें उसका जो घर था जिसमें वो रुका हुआ था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। एटलीस्ट उसकी इलीगल वेपन्स बनाने वाली क्राफ्टिंग टेबल तो सेफ थी। स्केलेटन म्यूटेंट स्केलेटन से फाइट करते हुए एंटिटी 303 की एक और सुपर पावर अनलॉक हो गई थी, एंड बिलीव मी गाइस ये बाकी पावर से बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये पावर एंटिटी 303 की वन ऑफ द मोस्ट सीक्रेट पावर में से एक है। सो गाइस प्रेजेंटिंग यू एक्सरे वर्ल्ड। एंटिटी 303 को बहुत ढेर सारे आयन की जरूरत थी अपने सारे इलीगल वेपन्स को बनाने के लिए। सो फिर क्या था, वो अपने एक्सरे विजन को ऑन करता है, जिससे उसको सारे तरह के ओर्स दिख जाते हैं, एंड फिर स्टार्ट कर देता है माइनिंग आयन की।
ये सारा एक्सपीरियंस उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा नया था, क्योंकि यार अपने पुराने वर्ल्ड में वो जो चाहता था वो हैकर्स टेबल से ले सकता था, जैसे कि एक्सरे, श्रिंक और भी बहुत कुछ। तो उसे बहुत ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है एंड पावरफुल भी वो फील कर रहा है। 303 काफी टाइम तक आयन की माइनिंग करता रहता है एंड जब उसे लगता है कि उसके पास इनफ आयन हो चुके हैं तब वो अपने एक्सरे विजन को ऑफ करता है एंड केव से बाहर आ जाता है। एंटिटी अपनी वर्क बेंच को रखता है, उसके पास बहुत ढेर सारी अमाउंट में इलीगल वेपन थी जिसे वो क्राफ्ट कर सकता था, बट यार वो सिर्फ जरूरी और पावरफुल को चूज करता है। वो अपनी पहली इलीगल वेपन अपना नेड लॉन्चर बनाता है, फिर वो एजल्ट राइफल को असेंबल करता है ताकि लॉन्ग रेंज फाइट हो एंड एट लास्ट वो शॉटगन बना लेता है क्लोज रेंज फाइट के लिए। कुछ ऐसे आइटम भी प्रेजेंट थे जिसको बनाने के लिए उसके पास मटेरियल कम पड़ रहा था, जैसे कि उसके पास गन पाउडर खत्म था तो वो रात भर क्रीपर्स को मांगता है और अगले दिन तक अपनी सारी चीजों को क्राफ्ट करके रेडी हो जाता है। एंड यार मानना पड़ेगा उसकी सारी इलीगल वेपन इस वर्ल्ड में भी बहुत ही ज्यादा अच्छे से काम कर रही थी। वो एक एक करके सारे वेपन्स को टेस्ट करता है, सबसे बेस्ट वेपन जो उसको लगता था वो था ये नेड लॉन्चर। आप लोग देख सकते हैं कितने मस्त तरीके से कोडिंग करी थी एंटिटी 303 ने इन वेपन्स की। 303 की एक और पावर अनलॉक हो गई थी जो कि एक बहुत ही ज्यादा ओपी पावर भी साबित हो सकती है आगे चल के, वो गाइस अब वेदर को भी बहुत ही ज्यादा इजीली कंट्रोल कर सकता था। अपने सारे इलीगल वेपन टूल्स और मैजिक पावर के साथ एंटिटी 303 रेडी हो चुका था एक बार फिर से फेस करने को ओब्लुका गॉड को। 303 काफी दिनों तक लगातार ओब्लुक गॉड को अलग अलग जगह पे ढूंढता है और साथ में उसे रास्ते में जो भी म्यूटेंट जॉम्बी मिल रहा था उसे भी वो मार देता है अपनी पावर्स की हेल्प करके। आप लोग देख सकते हो कितना इजीली मर जा रहे हैं अभी ये। फाइनली द टाइम हैज कम, ओब्लुका गॉड अब आ चुका था एंटिटी 303 के सामने और इनके बीच का रीमैच वापस से स्टार्ट होने वाला था। एंटिटी 303 इस फाइट के लिए पूरा रेडी रहता है एंड वो सीधा ग्राउंड में चला जाता है फाइट करने ओब्लुका गॉड से। अब गाइस हम लोग को ये बात पता चल जाएगी कि जो ओब्लुका गॉड ने एंटिटी 303 को लास्ट बार मौका दिया था उसे देखे उसने सही किया या गलत। सो गाइस एंजॉय दी फाइट। एंटिटी 303 ने जैसे ही ओब्लुक गॉड को मारा वैसे ही उसके डायमेंशन में जाने वाला पोर्टल भी अनलॉक हो चुका था। शायद हम लोग ये कह सकते हैं कि एंटिटी 303 का सफर अब यहीं तक था या फिर अभी और कुछ नया आना बाकी है। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, नया है तो सब्सक्राइब भी कर देना, और यार आप में से बहुत कम लोगों ने बेल नोटिफिकेशन को ऑन किया है तो जल्दी से जाके उसे ऑन कर लो एंड लाइक मैं लगा रहा हूँ 2000 लाइक्स का तो जल्दी से कंप्लीट कर दो। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया अगर आप लोग को इसका पार्ट 2 चाहिए तो जाओ कमेंट में स्पैम कर दो मामी दादी नानी जिससे मिले उससे कराओ। जैसे इस वीडियो पे 300 कमेंट्स पूरे हो जाते हैं ना वैसे ही मैं इसका पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा, तो वेट क्यों कर रहे हो जल्दी जल्दी कमेंट करो। एंड यस अब हम लोग मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू चेक लोटस 365 एंड गुड बाय।